it is to be noted that the communal upsurge has occupied a lot of social space, and in the teeth of this murky communal upsurge, there emerged a very dangerous scenario, that is bulldozing of the houses, shops and other establishments of the Muslims. Sequel to the or consequent upon the communal violence in Madhya Pradesh, in Delhi, in Gujarat, so on and so forth. आज हम देखते हैं कि जो फिरका परस्ती है बहुत उरूज पर जा चुकी है और उसके पस मंजर में एक खतरनाक सूरत हाल सामने आई है, वो है मुसलमानों की जायदाद को बुलडोज किया गया। अब इससे पहले कि हम लोग मजीद गुफ्तगू करें, मैं आपकी तवज्जो मध्य प्रदेश में या भोपाल में एक ऐसा बिलबोर्ड लगाया गया था कि दोजू डेयर टू प्ले विद ऑनर ऑफ अवर डॉटर्स और अवर सिस्टर्स, दे आर गोइंग टू फेस द हैमर, दे आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द वेरी सीवियर इंपैक्ट ऑफ द बुलडोजर। ऐसा बिलबोर्ड लगाया गया है कि जो लोग हमारी बेटी और बहनों की इज्जत से खिलवाड़ करेंगे उनके खिलाफ द अराइवल ऑफ बुलडोजर इज इन स्टोर, उनके खिलाफ बुलडोजर आने वाला। ये जो बिलबोर्ड है इट हैज नो रेफरेंस टू एन इंसिडेंट। वो मुझे फैज का एक शेर याद आ रहा है, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। तो दिस इज टू पेंट डेविल ऑफ वन कम्युनिटी, दिस इज टू प्रमोट द पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन एंड डिवाइसिवनेस, दिस इज टू इन्फ्लेम द पॉइंटम ऑफ हेट्रेड, दिस इज टू इन्फ्लेम द पैशंस। तो ये इस तरह की बातें हो रही है। उसके बाद आप देखते हैं, अब वो जहांगीरपुरी में फसाद हुआ, भोपाल में, मध्य प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ। अब वो फसादात की क्या वजह है, क्या नहीं वजह है, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेट द इन्वेस्टिगेशन बी असाइन विद द टास्क एंड द ब्रेक थ्रू वुड बी अचीव्ड। लेकिन उससे पहले इस तरह का कोई प्रिजम्पशन लेना और एक्यूज के घर पर बुलडोजर चला देना, उनकी दुकानों पे चला देना, उनके बिजनेस पे चला देना, ये कहाँ की इंसानियत है। एक वो वृंदा ग्रूवर है, शी इज अ सुप्रीम कोर्ट, एमिनेंट सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, उसने पूछा है अंडर व्हाट लॉ यू आर बुलडोजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द एक्यूज व्हेन ही इज नॉट प्रूव्ड गिल्टी बाय द कोर्ट, द एक्यूज इज इनोसेंट टिल ही इज प्रूव्ड गिल्टी बाय द कोर्ट। वृंदा ग्रोवर ने कहा है कि ये कौन से कानून के तहत जो है आप बुलडोजर चला रहे। उसके बाद अपूर्ण जो है वो एक क्या नाम उसके एक्टिविस्ट है, उसने कहा ये गैर इंसानी हरकत है। वो कम्युनिस्ट है वृंदा करात, उसने तो भागा था सुप्रीम कोर्ट का, बोल लिख के बताया कि क्या कर रहे हैं आप,
तो ये इसका अल जजीरा में इसका जिक्र हो रहा है, वाशिंगटन पोस्ट में इसका जिक्र हो रहा है। और आप जो है एक्यूज का वो एक एमनेस्टी इंटरनेशनल है, उसका इट इज चेयर बाय आकार पटेल। आकार पटेल ने कहा इट इज क्वाइट विंडिक्टिव, इट इज वेंडेटा। और आकार पटेल ने यह भी कहा है कि इट लुक्स टू बी दी कलेक्टिव पनिशमेंट। मुझे एक शेर याद आ रहा है, वो इसका शेर यह है, न लो इंतकाम मुझसे मेरे साथ, ये वफा की सख्त राहें, ये वफा की सख्त राहें, ये तुम्हारे पाए नाजुक, ये वफा की सख्त राहें, ये तुम्हारे पाए नाजुक, न लो इंतकाम मुझसे मेरे साथ साथ चल के, न लो इंतकाम मुझसे मेरे साथ साथ चल के। ये कुमार बाराबंकी का शेर है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि इट लुक्स टू बी द कलेक्टिव पनिशमेंट, इट्स ए पॉलिटिक्स ऑफ विंडेटा। और ये कहा जा रहा है कि ये क्या बोलते हैं, ये इलीगल है। तो कपिल सिब्बल ने कहा है कि 1700 जो कंस्ट्रक्शन है दिल्ली में वो इलीगल है। तो आपकी तवज्जो, आपकी नजर से मुसलमानों के इलीगल उस पर पड़ी है। अंजना ओम कश्यप इज एन एमिनेंट जर्नलिस्ट इंस्पेक्टर, उसने कहा है वो तो बुलडोजर पे चढ़ गई थी। दिस इज नॉट द प्रॉपर बिहेवियर। शी इज अ जर्नलिस्ट, शी इज नॉट सपोज टू बोर्ड ओवर द बुलडोजर। और उसने कहा है कि लीगल एक्शन अगेंस्ट दी इलीगैलिटी। अरे एमिनेंट जूरिस्ट, एमिनेंट एडवोकेट हैव क्वेश्चन्ड द वेरी बेसिस ऑफ द लीगैलिटी ऑफ बुलडोजिंग। अंजना ओम कश्यप से हम पूछना चाहते हैं क्या मुसलमानों की ही बस्तियां जो है वो इलीगल है। और कपिल सिब्बल ने तो एक अच्छी बात कही है कि ये एग्जॉर्बिटेंट प्राइस है और लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, घर अफोर्ड नहीं कर सकते, विच हैज रिजल्टेड इनटू द मशरूम ग्रोथ ऑफ द स्लम्स। ये कपिल सिब्बल हैज मेंशन दैट। तो इसके बाद आखिरी बात जो है मैं ये कर रहा हूँ कि कपिल सिब्बल की बात से अपनी बात का इख्तिताम कर रहा हूँ। हाँ, उसके पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सेकुलर फोर्स, जिन लोगों पर मुसलमान तकिया किए हुए, वो भी मुसलमानों की कोई सुनवाई वहाँ भी नहीं हो रही है। मुझे एक शेर याद आ रहा है, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, सितारों को कुछ खबर ही नहीं, कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की, कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की। और एक शेर मुझे निदा फाजली का भी याद आ रहा है, और उससे पहले कि अपनी बात खत्म करूं, यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के तुम संभल सको तो चलो, मुझे गिरा के तुम संभल सको तो चलो। इस दूसरे मिसरे का मतलब ये, मुझे गिरा के तुम भी संभल नहीं सकते। आखिर में कपिल सिब्बल ने ये कहा है कि हमको बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना है, उनकी स्किल को डेवलप करवाना है, और ताकि वो देश सर्वाइव इन दी कट थ्रोट ग्लोबल कंपटीशन। और कपिल सिब्बल ने ये भी कहा है माल नरिशमेंट है, पावर्टी है, ये हमारे इश्यूज है। लेकिन कपिल सिब्बल ने ये कहा है कि तकलीफ की बात यह है कि ये इलेक्शन जीतना एक प्रायोरिटी बन गया है और लोगों को बांटना एक प्रायोरिटी बन गया। और आखिर में उनका ये इट इज सैड बट ट्रू। और आखिर में मैं उसी शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं, यहां कोई किसी को रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा कर तुम संभल सको तो चलो। एंड लास्टली बिफोर आई कंक्लूड आई थैंक यू ऑल।